हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे हैं और अभी हम जो इंडिया ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे ऑयल सीड्स इन इंडिया। तो इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं ऑयल सीड्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, जो करंट जो डेटा है हमारे पास उसमें क्या है, थ्री लीडिंग स्टेट्स कौन कौन है जो कि किसमें है, सोयाबीन में। जो हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-2022 का फॉर द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स, द थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया आर, फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है सोयाबीन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर पे सोयाबीन प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का पूरी कंट्री में महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन, सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है राजस्थान 1.09 मिलियन टन्स के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुराना डेटा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे राजस्थान। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, प्रोडक्शन नहीं पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, तो इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सोपा फॉर द ईयर 2021 मध्य प्रदेश ऑक्यूपाइज 5.56 मिलियन हेक्टेयर लैंड विच इज 46.41% ऑफ द टोटल लैंड यूज फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन इन द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सोपा फॉर द ईयर 2021 मध्य प्रदेश ऑक्यूपाइज 5.56 मिलियन हेक्टेयर लैंड विच इज 46.41% ऑफ द टोटल लैंड used for soybean cultivation in the country. Next है question number 11. During 1992-93 there was a record production in, इसका answer हो जाएगा oil seeds. ठीक है, during 1992-93 का ये data पूछा गया है, there was a record production in, कहाँ था, there is a record, उस time पे जो record production था वो था oil seeds का। ठीक है, India witnessed a record production of oil seeds in 1992-93, during that year the total oil seed production was 20.11 million tons. There was again record production of the oil seeds in 2010-11 with 32.48 million tons. Notably during 2020-21 fourth advance estimate, oil seed production in the country was 36.1 million tons. क्या है, notably during 2020-21 fourth advance estimates, oil seed production in the country was 36.1 million tons. Next है question number 11. The largest producer of oil seed in India. तो कौन हो जाएगा oil seed का largest producer? इसका answer हो जाएगा कि ये क्या है, 2006 का डेटा है, 2006 में ये क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम पे क्या था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर 2006 में मध्य प्रदेश वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया। लेकिन अगर हम रीसेंट ईयर्स देखें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-2022 फॉर द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया। ठीक है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये भी क्या है, पहले का जो डेटा दिया गया है। ठीक है, उस टाइम पे क्या था,
कि गुजरात वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट वेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड, ये कब पूछा गया है 2006 में, तो उस टाइम पे गुजरात 2006 में गुजरात वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, लेकिन क्या है अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंड नट आर, गुजरात का फर्स्ट नंबर है अभी भी, ठीक है, जो रीसेंट डेटा है 2020-21 का उसके अकॉर्डिंग भी जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ग्राउंड नट के उसमें फर्स्ट नंबर है गुजरात का, सेकंड नंबर है राजस्थान का और थर्ड नंबर है तमिलनाडु का। अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंड नट आर गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। गुजरात इज़ ऑल्सो इन द करेंट टाइम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, 2020-21 में भी क्या है गुजरात ग्राउंड नट प्रोडक्शन में फर्स्ट है ऑल ओवर इंडिया, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु ग्राउंड नट प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेट ऑफ इंडिया विद लो एकरेज बट वेरी हाई पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ ग्राउंड नट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है 2014 का क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे इसका करेक्ट आंसर था पंजाब, लेकिन अब इसको हम रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेटा एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 इन द ईयर 2019-20 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट टॉप थ्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड नट आर, फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड नंबर पे है राजस्थान। ये डेटा किस टर्म में है, ये है टॉप थ्री स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ध्यान रखिएगा टॉप थ्री स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड नट्स आर तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि द स्टेट ऑफ इंडिया विद लो एकरेज बट वेरी हाई पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ ग्राउंड नट इज इन प्रेजेंट टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 इन द ईयर 2019-20 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट टॉप थ्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड नट आर तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हुआ प्रोडक्टिविटी में, तमिलनाडु, ठीक है, सेकंड नंबर में गुजरात और थर्ड नंबर पे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड प्रोडक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सीसम ग्राउंडनट कैस्टर सीड और मस्टर्ड इनमें से ऑड कौन सा है, मतलब भिन्न कौन सा है। ग्राउंडनट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट वाइल रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट, जो ग्राउंडनट है ग्राउंडनट को ऑब्टेन किया जाता है रूट ऑफ द प्लांट से, जबकि जो कैस्टर सीड है जो मस्टर्ड है और जो सीसम है इन सभी को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट, ठीक है। और क्या है ऑयल मेड ऑफ सीसम, ठीक है, जबकि ऑयल बनाया जाता है किस किस से, सीसम से, ग्राउंड नट से और मस्टर्ड से, ठीक है, यूज्ड इन जो है जो इन तीनों से बना हुआ जो ऑयल है उसका यूज़ हम करते हैं खाने में, फूड में भी करते हैं, जबकि जो कैस्टर सीड ऑयल है उसको हम फूड में नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दिया गया है, लेकिन ये दो तरीके से इसका आंसर निकल सकता है, पहले तो इस बेसिस पर कि जो ग्राउंड नट है उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट, जबकि जो अदर थ्री हैं तो यहाँ इस तरीके से तो ग्राउंड नट जो है वो ऑड हो गया, जबकि जो बाकी थ्री हैं कैस्टर सीड ग्राउंड नट और जो मस्टर्ड हैं ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको कि इनके जो फ्लावर है प्लांट का उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अगर एक तरीका दूसरा है कि जो ऑयल है जो कि सीसम ग्राउंड नट और मस्टर्ड से बनाया जाता है इन तीनों का जो ऑयल है उसको हम यूज़ करते हैं फूड में, जबकि जो कैस्टर सीड ऑयल है उसको हम फूड में यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कैस्टर सीड ऑयल जो है वो जो कैस्टर सीड है वो ऑड हो गया और एक तरह से ग्राउंड नट हो गया। ग्राउंड नट किस तरीके से हो गया, क्योंकि हम ग्राउंड नट को प्लांट के रूट से ऑब्टेन करते हैं प्राप्त करते हैं, जबकि जो कैस्टर सीड है जो मस्टर्ड है और जो सीसम है इन सभी को हम प्लांट के फ्लावर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने कहा कि जो बाकी दोनों जो ये तीन हैं जैसे कि हमने कहा सीसम ग्राउंड नट और जो मस्टर्ड है इनके ऑयल का यूज़ हम भोजन में करते हैं फूड में करते हैं, जबकि जो कैस्टर सीड ऑयल है इसका यूज़ हम फूड में नहीं करते हैं,
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, 2007 में ये पूछा गया था। ओनली ऑप्शन बी वाज करेक्ट, मींस कि राजस्थान इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट, राजस्थान इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, जो 2020-21 का जो डेटा है फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, उसमें राजस्थान रेप सीड और मस्टर्ड दोनों में क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, मैप दिया गया है इंडिया का। द प्लेस मार्क्ड ए बी सी एंड डी इन द मैप आर रिस्पेक्टिवली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, हमको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि जो ए रीजन है वहाँ पर कौन सी क्रॉप का कल्टिवेशन हो रहा है, बी रीजन में कौन सी क्रॉप कल्टिवेट हो रही है, सी रीजन में, और इसी तरीके से डी रीजन में बताना है कि कौन सी क्रॉप का कल्टिवेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे करेंगे हम, जो ए है पहले हमको प्लेस को आइडेंटिफाई करना होगा, ए कौन से प्लेस को दिखाता है मैप में, ए दिखाता है राजस्थान को, और बी दिखाता है मैप में महाराष्ट्र को, सी दिखाता है उड़ीसा को, और डी रिप्रेजेंट करता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे, सबसे पहले गुजरात, और ए रिप्रेजेंट करता है गुजरात को, बी रिप्रेजेंट करता है महाराष्ट्र को, सी रिप्रेजेंट करता है आंध्र प्रदेश को, सी रिप्रेजेंट करता है उड़ीसा को। ठीक है, पहले उड़ीसा है फिर आंध्रा है, डी में हो गया आंध्र प्रदेश। तो बस अब हमें पता चल गया कि ये कौन कौन से स्टेट हैं, तो हमें बस ये देखना है कि सबसे पहले जैसे ए में गुजरात है, बी में महाराष्ट्र है, सी में उड़ीसा है, और डी में आंध्र प्रदेश है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप, मतलब मेनली यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम गुजरात को देखते हैं तो गुजरात में क्या होता है, ग्राउंड नट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में कॉटन और सुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में रागी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश में टोबैको का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राउंड नट, सुगर केन, रागी एंड टोबैको। ग्राउंडनट हमने कहा ए रीजन, ए कहाँ पर है, ए गुजरात, गुजरात में क्या होता है, ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कॉटन एंड सुगर केन, बी हो गया, सी क्या हो गया, सी है उड़ीसा, उड़ीसा में किसका प्रोडक्शन होता है, उड़ीसा में रागी का प्रोडक्शन होता है, और डी हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में टोबैको का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ग्राउंडनट, ग्राउंडनट और ग्राउंडनट फॉर ग्राउंडनट इन गुजरात, कॉटन एंड सुगर केन इन महाराष्ट्र, रागी इन उड़ीसा, टोबैको इन आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ग्राउंडनट, सुगर केन, रागी एंड टोबैको। ठीक है, तो ये स्टेट्स दिए गए हैं गुजरात में, ए बी सी डी इन द मैप आर इन गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश रेस्पेक्टिवली। दीज स्टेट्स आर पर्टिकुलरली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, गुजरात जाना जाता है ग्राउंडनट के प्रोटेक्शन के लिए या ग्राउंडनट की कल्टिवेशन के लिए। महाराष्ट्र में कॉटन एंड शुगर केन का कल्टिवेशन होता है, उड़ीसा में रागी का कल्टिवेशन होता है, आंध्र प्रदेश में टोबैको का कल्टिवेशन होता है। दस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अबव सीड्स। तो इसमें हो जाएगा, बताना है कि मेजर ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, इनको क्या करना है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अबव ऑयल सीड्स, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। मींस सबसे ज़्यादा जो जिसका प्रोडक्शन होता है जिस ऑयल सीड का, पहले उसको लिखेंगे और लास्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लास्ट में सबसे कम जिसका प्रोडक्शन होता है उस ऑयल सीड को लिखेंगे। तो इसका क्या है, ठीक, जब ये क्या है 1997 में पूछा गया है, तो उस टाइम पे इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था, लेकिन हम क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये मेजर जो ये ऑयल सीड्स हैं इनमें कौन आगे है, किसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फिर किसका कम होता है, इसको हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे। ठीक है, तो मेजर ऑयल सीड और इसका क्या है प्रोडक्शन इन लाख टन्स 2019-20 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स। ठीक है, सोयाबीन का कितना प्रोडक्शन होता है, सोयाबीन का 2019-20 में
100.96 लाख टन का प्रोडक्शन है। ग्राउंडनट का कितना हुआ है, 91.16 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में। नेक्स्ट है सीसम, सीसम का 7.50 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में। और जो रेपसीड एंड मस्टर्ड है इनका 112.15 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज़्यादा हो गया रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, तो 112.15 लाख टन। उसके बाद आ जाएगा सोयाबीन 100.96, उसके बाद आ जाएगा ग्राउंडनट 91.16, उसके बाद आ जाएगा सीसम 7.50 लाख टन्स। इतना प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में। तो ये हमने क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। पहले हमने रेपसीड एंड मस्टर्ड 112.15 लाख टन्स, उसके बाद आ जाएगा सोयाबीन 100.96 लाख टन हुआ प्रोडक्शन 2019-20 में। फिर आ जाएगा ग्राउंडनट 91.16 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ 2019-20 में। लास्ट में आ जाएगा इन चारों में सीसम, सीसम का 7.50 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ 2019-20 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट। इसका आंसर हो जाएगा सीसम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सीसम में। अब देख लेते हैं कि कौन सी क्रॉप में कितना ऑयल कंटेंट होता है। ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट होता है 48.2%, ठीक है। इसके बाद अगर हम सोयाबीन को देखें तो सोयाबीन में 40% ऑयल कंटेंट होता है, सनफ्लावर में 42% ऑयल कंटेंट होता है, सीसम में 52% ऑयल कंटेंट होता है। और हमने पढ़ा ग्राउंडनट में कितना है 48.2, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो ऑयल कंटेंट है इन चारों में वो है सीसम में। सीसम में कितना है, सीसम में जो ऑयल जो कंटेंट है वो कितना है 52%, ठीक है। जो सीसम में जो ऑयल कंटेंट है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा है, 52% है, ठीक है। तो जबकि ग्राउंड नट में 48.2% का ऑयल कंटेंट है, सोयाबीन में 40% का ऑयल कंटेंट है, सनफ्लावर में 42% का ऑयल कंटेंट है, जबकि जो शीशम है, शीशम में इनमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट है 52% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वरुणा इज़ ए वैरायटी ऑफ, वरुणा किसकी वैरायटी है, वरुणा इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड इज़ एन ऑयल सीड, ठीक है। पूषा बोल्ड, जय किसान, वरुणा आर द मेन वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड। वरुणा किसकी वैरायटी है, मस्टर्ड की वैरायटी है, मस्टर्ड इज़ एन ऑयल सीड, पूषा बोल्ड, जय किसान, वरुणा आर द मेन वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड की मेन वैरायटीज़ हैं पूषा बोल्ड, जय किसान, वरुणा, ये सभी मेन वैरायटीज़ हैं मस्टर्ड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पूसा बोल्ड इज़ ए वैरायटी ऑफ, पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है, पूसा बोल्ड इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है पीताम्बरी इज़ ए वैरायटी ऑफ, पीताम्बरी किसकी वैरायटी है, पीताम्बरी इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, पीताम्बरी RYSK0502 इज़ ए वैरायटी ऑफ येलो मस्टर्ड। मेच्योरिटी पीरियड ऑफ पीताम्बरी मस्टर्ड इज़ 110 to 115 days, वाइल एवरेज प्रोडक्शन इज़ 1536 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पीताम्बरी इज़ ए वैरायटी ऑफ, पीताम्बरी किसकी वैरायटी है, पीताम्बरी इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, पीताम्बरी RYSK0502 इज़ ए वैरायटी ऑफ येलो मस्टर्ड। मेच्योरिटी पीरियड ऑफ पीताम्बरी मस्टर्ड इज़ 110 to 115 days, वाइल एवरेज प्रोडक्शन इज़ 1536 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन क्या पूछा था, पीताम्बरी किसकी वैरायटी है, पीताम्बरी मस्टर्ड की वैरायटी है, ठीक से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ए एवरेज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट कल्टीवेशन, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौशल इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट, ठीक है। कौशल किसकी एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ग्राउंडनट की। नेक्स्ट है क्रॉप और उनकी कुछ वैरायटीज़ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे कि ग्राम, जो ग्राम है, ग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं
पंथ 114, गौरव राधे K4, ये क्या है, चने की वैरायटीज़ हैं, ग्राम की वैरायटीज़ हैं। पंथ 114, गौरव राधे K4। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन की वैरायटीज़ हैं सुविन, सुजाता, देशी, श्यामली। ठीक है, ये क्या है, कॉटन की वैरायटीज़ हैं सुविन, सुजाता, देशी, श्यामली। नेक्स्ट है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की वैरायटीज़ हैं चित्रा 64, चंद्रा और कौशल। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि कौशल किसकी वैरायटी है, कौशल इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, चित्रा 64, चंद्रा और कौशल, ये ग्राउंडनट की वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट है वीट, वीट की वैरायटीज़ हैं कुंदन, कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, वीट की वैरायटीज़ हैं कुंदन, कल्याण सोना और सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है, क्या पूछा है इसमें कि जो क्या है, जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर इज़ ए ऑयल सीड क्रॉप, इट्स साइंटिफिक नेम इज़, जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर एक ऑयल सीड क्रॉप है, तो सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरथामस टिंकोरियस। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है सनफ्लावर का वो है कैरथामस टिंकोरियस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज़ कैरथामस टिंकोरियस। टिंकोरियस, द सीड कंटेन 24-36% ऑयल। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर मेजर सनफ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स। द ऑयल इज़ एज यूज एज सनफ्लावर ऑयल हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ लिनोलिक एसिड 78%, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सनफ्लावर इज़ ए ऑयल सीड क्रॉप, इट्स साइंटिफिक नेम इज़ कैरथामस टिंकोरियस। द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज़ क्या है, कैरथामस टिंकोरियस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज़ कैरथामस टिंकोरियस। द सीड कंटेन 24-36% ऑयल। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर मेजर सनफ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स। द ऑयल ऑफ द सनफ्लावर इज़ एज गुड एज सनफ्लावर ऑयल हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ लिनोलिक एसिड 78%, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑयल सीड्स कम्प्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पल्सेस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।